जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो जयपुर के अंदर सेना भर्ती चल रही है, उस सेना भर्ती में बहुत से युवाओं को गेट के बाहर से ही आउट कर दिया जा रहा है, सेना भर्ती में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है, छोटी छोटी कागजों की कमी की वजह से। तो उस सिलसिले में मैंने एक कल भी वीडियो डाला था कि मैं वहाँ के भर्ती कर्नल साहब से या जयपुर के जो कमांडर साहब बैठते हैं, जीओसी साहब, उनसे और आर्मी हेडक्वार्टर तक हम इस चीज़ की शिकायत करेंगे कि क्यों बच्चों को निकाला जा रहा है। किसी के जो नई तहसीलें बनी हैं उनका तहसीलों में डिफरेंट है कि भाई तुम्हारी पुरानी तहसील क्या थी फलाना, इस तरह के काम जो अगर वो चाहें तो अपने लेवल में बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करके उनको डॉक्यूमेंट का करेक्शन करने का टाइम दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे रहे। आपको जैसे मैंने बताया था कि आज हमने मुलाकात करनी थी, लेकिन आज नहीं हो पाई है किन्हीं कारणों से, जो हमारे और बंदे थे वो बाहर थे। तो सोमवार को हम मुलाकात करेंगे और लिखित में शिकायत दर्ज कराने की जो बातें हुई हैं वो चल रही हैं। पहले हम अपने आर्मी के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके बावजूद बाद में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे कलेक्टर साहब हैं और हैं, उनसे संपर्क करेंगे। अगर नहीं मानते तो एक धरना या आंदोलन भी बच्चों को लेकर कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो हमारी वहाँ टीम है, जो हमारी जिला सैनिक बोर्ड के सदस्यों से या और जो अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे वंचित हैं उन बच्चों का डाटा आप लो कि भाई कितने बच्चे हैं, उनको किन किन कारणों से निकाला गया है, स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि कुछ किसी का, जैसे एक बच्चे ने मेरे को अभी वीडियो भेजा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई उसका पिताजी का नाम ई मित्र में लिखने की वजह छूट गया था, उस वजह से निकाल दिया। एक का बोला कि उसकी मार्कशीट में पहली, दूसरी, तीसरी सब मार्कशीट लेकर आओ, इस तरह की बहुत चीजें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नंबर है 8290-35-45-13, ये मेरा व्हाट्सएप पर भी नंबर है। जिन जिन बच्चों को जयपुर भर्ती में, क्योंकि हम जो शिकायत लेके जा रहे हैं पावटा, कोटपुतली, ये जो भी जयपुर ग्रामीण की भर्तियां चल रही है, इसके साथ कहीं भी सिक्कर के कुछ बच्चों की भी शिकायत आ रही है, तो जयपुर भर्ती में जिन जिन बच्चों को बिना कारणवश अगर आप खुद की कमी है तो वो आप उसको खुद ठीक करेंगे। अगर सिस्टम की कमी की वजह से जो बच्चे निकाले गए हैं उस सिलसिले में बात चल रही है, और शायद उनको 12 या 14 तारीख या नेक्स्ट डे उनको मौका दिलाने की हम कोशिश करेंगे। कुछ एक अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है और वो कह रहे हैं कि पहले आप मुलाकात करो, हो सकता है ये चीजें अपने लेवल में भी ठीक हो सकती हैं। और इसमें प्रशासन की भी कमी नहीं है, आर्मी जो अधिकारी है वो कहते हैं कि भाई हमारी भी गलती नहीं है, सिस्टम ने किया है। अब सिस्टम में भी वहाँ सिविल एडम में जो अधिकारी बैठते हैं उनसे भी बात होगी, तो कोशिश करेंगे इसको सेट आउट करने की। यहाँ मैं हमारे अधिकारियों से, जैसे मैंने आज भी बात की, तो उनको एक ही चीज कही थी कि जनता आर्मी अफसर पर, आर्मी के जवान जैसे हर एक पर विश्वास करती है कि आर्मी का जवान जैसे अफसर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। और मैं खुद कहता हूं, मुझे विश्वास है जो अच्छा अधिकारी है वो कभी भी नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकता और ना खुद कर सकता। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है या जो सरकार के दबाव में, अगर ऐसी, जैसे क्योंकि जब से अग्निवीर आया है लोगों के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है, अब ये सरकार करवा रही है, प्रेशर डाल रही है और प्रेशर में ये लोग कर रहे हैं, तो ये अधिकारी के लायक नहीं है। कुछ लोग अपने पद के लालच में, कुछ और निजी स्वार्थ में सेना को अगर जो गर्द में धकेल रहे हैं वो इंडियन आर्मी के अफसर कहलाने के लायक नहीं है। जवानों की जो 4 साल की नौकरी जिन लोगों ने एक्सेप्ट की है और उसका बखान कर रहे हैं, वो तमाम अधिकारी, उनको उस दिन पता चलेगा जिस दिन कहीं आमने सामने से बड़ा युद्ध होगा। जो हालात आप यूक्रेन, रूस इनकी देख चुके हो, वही हालातें भारत की होंगी, और उस दिन आपको पता चलेगा कि ये गद्दार जिन्होंने ये सिस्टम लागू किया है ये देश को खड्डे में धकेल रहे हैं। आम पब्लिक आज नहीं बोल रही है, जब पहले हमने अग्निवीर का आंदोलन किया था तो ये लोग मजबूरी में अग्निवीर में भर रहे थे फार्म, अब अग्निवीर में भी इनके साथ धोखा किया जा रहा है, अब इनको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। लेकिन हमारा काम है, कहीं भी अन्याय हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाना, हम इन बच्चों के लिए भी आवाज उठाएंगे। सोमवार को हम वहां उनसे मिलकर, अगर वहीं की वहीं मामला होता है और इनको 12 या 14 को मौका देते हैं, तो वो हम इसी चैनल
रविंद्र फुजी एक्स आर्मी आरटीएफ के द्वारा मैं आपको सूचना दे दूंगा, या जो मेरे पास नंबर होंगे उनको निजी भी बता दूंगा। तो बच्चे अपनी रनिंग वगैरह करते रहें और सोमवार तक का वेट करें, क्योंकि आज कुछ तो बारिश का मौसम था, कुछ मेरी जो टीम के मेंबर वगैरह थे वो जयपुर से बाहर थे तो मैंने उनको भेजा था, तो आज बात नहीं हो पाई, वो बोले बाहर हैं और छुट्टी के कारण ऑफिस में हम जा नहीं पाए। तो सारों ने एक ही निर्णय लिया कि सारा पहले डाटा इकट्ठा करो, एप्लीकेशन वगैरह जो भी बच्चे लिख सकते हैं इस विषय में, एप्लीकेशन 5 या 10 बच्चे इकट्ठे लिख सकते हैं, किसी का इंडिविजुअल है तो व्हाट्सएप में लिख सकता है कि हाँ हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है, ताकि हम उन चीज़ों को यहाँ के साथ साथ हमारी एक दिल्ली जो टीम है सोसाइटी है उसको भी मैंने बता दिया है, वो रक्षा मंत्रालय आर्मी हेडक्वार्टर और सब में आज वो भी ये पूरी एक एप्लीकेशन बना के वहाँ भी फॉरवर्ड कर दी। तो सोमवार तक इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलने की उम्मीद है, बशर्ते कि आप अपना डाटा भेजें कि हाँ किन किन को किस किस चीज़ों में निकाला है। वीडियो शेयर करें ताकि हर एक भाई तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।